देखिए गाइस, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस आज सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। जब हमारे घर में, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बाहर, तो हमारी मिर्च ऐसी है जो फ्रिज में अगर रख दो तो 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में, अगर अच्छे से रख दो, फ्रिज चलती रहे तो 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में मिर्च सही सलामत बनी रहती है। और सारी सब्ज़ियाँ नहीं होती हैं सही, मगर मिर्च बढ़िया रहती है। तो आज हम मिर्च की ही टेस्टी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, जिसके आगे और सारी सब्ज़ियाँ आप भूल जाएंगे खाना। तो देख सकते हैं कि मिर्च को हम पहले ऐसे धुल करके अच्छे से बीच से चीरा लगा देंगे, जिससे कि जब हम बनाएं ना तो ये चिटके नहीं। तो ये देख सकते हैं, सारी मिर्चें हम ऐसे कर लेंगे, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। एक ले ली, दो ले लिए मीडियम साइज़ के प्याज, टमाटर, गैस हम इसको चॉप करके डालेंगे। आप चाहें तो आप ग्राइंड कर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारा चॉप कर लिया है। आप इसमें लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, लहसुन है, अदरक है, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम एकदम सिंपल बना रहे हैं। तो देखिए, एक हम कटोरी ले लिए जिसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये रहा हल्दी पाउडर, और अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हींग और सौंफ पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि हम जब ऐड करें ना तो हमारे मसाले जले नहीं, ताकि बहुत अच्छे से बन करके आए। तो इसको हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आप पेस्ट नहीं भी बनाना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें तब मसालों को आपको टमाटर के साथ में ही डालना पड़ेगा। तो इसमें डाल देंगे 2 बड़े स्पून ऑयल, और इसमें अब हम मिर्चें अपनी फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये तीखी होती है ना मिर्चें, इस वजह से। तो बहुत रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं, ये अचार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो तीखे, जैसे हमने बच्चों के लिए सब्ज़ी वगैरह बनाई कोई चीज़, तो बच्चे तीखा नहीं खा पाते हैं, तो बड़े तीखा खाते हैं, तो उसकी जगह पर ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। पराठे, पूड़ी, नान, हर चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। देखिए, निकाल लिया है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया इसमें, इसको भून लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, जिसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना टमाटर, जो हमने ग्रेट कर चॉप करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, इसको भी भूनेंगे अच्छे से। और अब इसे, टमाटर और प्याज भूनने के लिए इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, या आप सब्जी के हिसाब से नमक ऐड कर दें। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि नमक पड़ने से ना ऑयल वगैरह निकल जाता है हमारा, और अच्छे से मसाले हमारे भुन जाते हैं। तो अब ये जो मसाला पेस्ट बना करके रखा था, उसको भी हम अच्छे से इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा 2 से 3 स्पून पानी ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर है, प्याज है, ये अच्छे से पक जाए। और ये देखिए, अब इसमें हमने पानी थोड़ा सा ऐड किया है, और अब देखिए इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। तो लगभग लगभग 5 से 6 स्पून पानी और हमने यूज़ किया था। और अब इसमें हम अपनी ऐड कर देंगे मिर्च। तो अगर आपको ग्रेवी वाली मिर्च खानी है तो थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी ऐड कर लें, बस उसमें मसालों को पीस कर ऐड करें, जैसे जो प्याज और टमाटर है उसको पीस कर ग्राइंड करें, मतलब ग्राइंड करके यूज़ करें। तो इसे हम अब क्या करेंगे, पका लेंगे, अच्छे से ढक करके कुक करेंगे। ये देखिए, हमारी कुक हो चुकी है। तो अब हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, क्योंकि इससे फ्लेवर और इसमें बहुत अच्छी आती है। गाइस, दाल वगैरह बनाइए, उसके साथ ये सब्ज़ी बना दीजिए ना, तो सभी एकदम मनपसंद से खाना खाएंगे। जो लोग दाल नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। तो देखिए, हम सर्व करने चलते हैं। ये हमने वही प्लेट ले ली है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं हमें करने हैं यूज़। तो ये देख सकते हैं, अब इसी प्लेट में हम सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी सब्ज़ी बन कर के आई है, मिर्च की, बहुत 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 डिलीशियस। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम लेमन का यूज़ करेंगे। ये देखिए, आप जितना खट्टा खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस लगती है ये रेसिपी हमारी। और आप इसे नान, चपाती, रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर भेजें हमें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ।